की मास है कौन? खरी मास। पूरी मास। पूरी मास। साढ़े दो केजी लिया है हम लोग ने, जिसकी आप देखते हैं ये टिया खाएगा। ये ट्रेनर देखे छुप रहा है, बीएमओ इसी का ट्रेनर है ये। लाहे लाहे ओलमन लाहे लाहे। अभी हम लोग किलिंग का रास्ता में जा रहे हैं, जैसे आप देखते हैं ये है किलिंग का अप। तो यहाँ ऊपर में आपको मिलेगा USTM, DPS सब कुछ। अभी मैं एक ऐसा जगह में आया जो कि बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे आसाम का मशहूर सिंगर हम अपना एकदम लास्ट ब्लॉग में ही बोला था कि एक व्यू पॉइंट दिखाने वाले, जो अमित भाई के साथ मैंने बोला था कि अमित भाई हमको एक व्यू पॉइंट दिखाने, तो वो जगह फाइनली मैं आ चुका हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्याम व्लॉग्स। तो मेरे साथ आज भी सुबह में टिया है, देखिए टिया हमें कोला खा रहा है। कौन सा कोला खा रहा है टिया? मालबोग। ये की मास है कौन? खरी मास। पूरी मास। पूरी मास। की माने तो किलो 200 টাকা। বা 1 কিলো কিমান পিস আই যায়? 10 11। এটা আমার ঘর কারণে না, এটা বেলেগ বেলেগ নাকি? আমি তো লই লৈছো ন, আম লই লিয়া কে বা ভালকে কাটি আছে। তো গাইস দেখি কি আমি দেখতে মাছি মাছি ও কাট লিয়া, লেকিন ও দুসরা কে লিয়া হম লোক নে লে লিয়া হে, জো হম লোক নে লিয়া হুঙ্গা আবি আপকো দিখাতা হু। তো গাইস হম লোক নে এ মাছি লিয়া হে, দেখিয়ে কিতনা হে, আর ইসমে কিতনা হে পুন্ডে? হ্যাঁ, এ কিতনা কিলো হোগা? সাড়ে দশ। কিলো? साढ़े दो के जी लिया है हम लोग ने, जिसकी आप देखते हैं ये टिया खाएगा। खाएगा ना टिया रूम? ए तुमने खाएगा तो कौन खाएगा बोलो, तुम खाना पड़ेगा ना। और मैं देखिए बॉडी बिल्डर जिम करता है और ट्रेनर है, कौन है टिया? वो कौन है? नारायण। कौन है? कौन है? नारायण। नारायण नारायण नहीं, वो नारायण है। ये ट्रेनर, ये ट्रेनर देखे छुप रहा है, BMOIC का ट्रेनर है ये। ये देखे अपना खाली साइड मसल दिखा रहा है। ये देखिए देखिए, सिक्स पैक कमिंग सून। या ये तो बॉडी दिखाता ही नहीं है, तो क्या करेगा, इतना शर्म करता। देखो भाग गया, इतना मुश्किल है ना गाड़ी निकालने के लिए। टिया थोड़ा पकड़ कैमरा, मैंने बाइक तेरा कर लिया है। मित्र आया था ये बॉडी बिल्डर मित्र, लेकिन इसका जरूरत नहीं पड़ा है बॉडी बिल्डर का। देखिए ऐसे हो गया हम लोग से काम, क्योंकि दिमाग यूज किया जाता है। दिमाग यूज नहीं, ताकत भी कभी कभी यूज होता है कि नहीं? हाँ बोलो। ताकत तो गधा लोग यूज करते हैं। वो गधा तुम्हें। जाओ टाटा। तो गाइस अभी जल्दी जाता हूँ, अभी थोड़ा मुंह धोता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद फिर आपको मिलता हूँ। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ा बाहर, नाश्ता वास्ता कर लिया हूँ जल्दी से। तो अपना जो सोनू भाई है वो रुका है गाड़ी में, वो देखिए। तो सोनू भाई का कहीं जा रहा है, सोनू भाई का कुछ प्लान है बोला। तो हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, क्या कर रहे हो बोलिए जल्दी से। तो सोनू गाइस, बहुत दिनों के बाद, बड़े दिनों बाद मिले हैं। तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? चलो खाना बड़ा चलते हैं, थोड़ा पहले खाना बड़ा जाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, अभी पता नहीं है। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, अभी हम लोग जा रहे हैं खाना पड़ा में, फिर आपको मिलते हैं। देखता है सोनू भाई हमें, जब भी सोनू का निकलता है मेरे को कुछ पता नहीं रहता है, ऐसे ही गाड़ी में बैठता और सोनू भाई हमको बस लेके ही जाता है, लेके ही जाता है, बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, वैसे हो गया। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम आए हैं अमित भाई के यहाँ पे, अमित भाई के घर में सोनू लेके आया। अमित भाई का सब कुछ काम है बोला, कुछ काम इधर से काम दिखते हैं, पर्सनल काम ब्रो। तुम इतना दिन कहाँ गायब हो गया था? लास्ट ब्लॉग में हम बोला था तो सोनू का कुछ प्लान था, लेकिन सोनू तो कहीं चला गया, थोड़ा काम चल रहे थे। आजकल सोनू भाई भी बहुत काम कर रहा है, उसका रोजा वोजा भी चल रहा है, टाइम भी नहीं मिल रहा है, मिलता नहीं निकलने के लिए। लेकिन एक महीना का बाद जब रोजा खत्म हो जाएगा उसका बाद
ईद खत्म होने के बाद ईद का भी ब्लॉग मिलेगा सोनू भाई का तरफ से आप लोग को, सोनू ब्लॉग्स 38 में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लेकिन उससे पहले अमित भाई के लिए रुक रहे, अमित भाई आ नहीं रहा है, तरह लेट भी पूरा मेकअप वेकअप करके आ रहा है लग रहा है मेरे को, लेट कहाँ गया हम लोग का अमित भाई, लिपस्टिक मैन, जल्दी से ठीक है चलिए रुकते हैं। अमित भाई देखिए आ चुका है इतना देर रुकाने के बाद, अमित भाई कैसा है, ठीक है, एकदम खराब, पूरा मेकअप वेकअप करके आ गए आप तो देखिए अमित भाई आ गया है, पहुंचा मुंह धोके आ गया, अमित भाई बोले सो रहा था, हम लोग पहुंचा मुंह धोके और आ गया, बोला नाश्ता भी नहीं किया, अभी सोने का काम तो मेरा था, आप कैसे सो रहा था फिर? हेलो, तो अभी सोनू भाई ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया है, अमित भाई को भी हमने पिकअप कर लिया है, तो अभी हम लोग मालूम नहीं कहाँ जाएंगे, देखते है स्टेयरिंग जिसका हाथ में उसको ही पता है, हम लोग को तो कुछ नहीं पता है, तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे कि सोनू भाई देखिए, सोनू भाई का पेन देखिए इतना मजा है, ऐसा ही पेन भी नहीं आया, अमित भाई भी पहना हुआ है, देखिए दोनों गया था काम में, गया था सोनू, दोनों जुड़वा है ना, अभी कहाँ गया था, मोटू और पतलू जुड़ो पिया, जुड़ी हुए जुड़वा जुड़ो पिया, बाय वन गेट वन था क्या, बाप रे बाप, दोनों एकदम है करण अर्जुन। कितना टाइम बोले? तो गाइस अभी हम लोग यहाँ में फिर रुके हैं अमित भाई का कोई दोस्त के लिए, उसके बाद देखते हैं फिर क्या करते हैं, इन लोग का अंत से मेरा ऐसे ही होता है, इन लोग कहाँ कहाँ लेके जाते हैं मेरे को खुद को पता नहीं चलता है अभी, तो चलिए थोड़ा रुकते हैं। और यहाँ पे हम पिलंगकाटा में आए, जिसकी देख सकते हैं ये पुल पिलंगकाटा पुलिस आउटपोस्ट, तो अभी हम थोड़ा यहाँ पे रुक रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अमित भाई, ये देखिए पूरा मस्त से रुका है घड़ी उड़ी पहन के। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं पिलंगकाटा से और हम जा रहे हैं खाना पारा फेडरल स्कूल सोनू का भतीजा को लेने के लिए, सोनू का भतीजा पास हो गया क्लास वन से क्लास टू पहुंच गया, लेकिन सोनू एक तो मिठाई भी नहीं खिलाया हम लोग को, और क्लास थ्री पहुंच गया लेकिन एक तो भी मिठाई नहीं खिलाया क्लास टू से क्लास थ्री, कितना उन्नति का बात है, लेकिन सोनू क्या बोलेगा, लेकिन सोनू का भी क्या कर सकते, सोनू का भी रोजा वोजा चल रहा है, लेकिन ईद में तो सोनू एकदम फाड़ के पार्टी देगा बोला है, हम पार्टी नहीं देगा अमित भाई को, हमको सबको पार्टी देगा बोला है, अमित भाई तो पार्टी करने में नंबर वन है एकदम, अमित भाई का पार्टी होता है नॉन वेज पार्टी, और हम लोग का भी होता है नॉन वेज पार्टी कभी कभी, सो अभी हम लोग जा रहे हैं सोनू खाना परा ना, चलिए खाना परा फेरी लेन हाई स्कूल में चलते हैं। तो गाइस अभी हम रुके हैं बाहर में सोनू का भतीजा के लिए, सोनू कब छुट्टी होता है? छुट्टी नहीं हुआ है, 12 बजे छुट्टी होगा, तो स्कूल मतलब कितना 12 बजे छुट्टी होता है, और हम लोग अभी हमें कितना 11:40 को आ गया धरना देने के लिए, धरना देने आया है आ गया। तो हम लोग जैसे कि देख सकते हैं ये खानापारा का फ्लाईओवर ब्रिज, वहाँ से करके जाएंगे तो आपको मिलेगा मेन गुवाहाटी, ऐसा दुखी और भाई इतना नहीं दिखाना था भाई, और यहाँ पे तो सुनो जा 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 भाई जा। देखिए सुनो इतना अच्छा है कि मतलब बाइक वाला को जाने दे दिया, इतना अच्छा आदमी है आप, तो बोलिए हम लोग अभी जा रहे हैं घर सोनू के साथ, जाएंगे अभी घर उसके बाद फिर, अरे वहाँ का सिग्नल ही खराब है, अमित भाई को भी हम लोग के साथ, अमित भाई को भी घर लेके जाएंगे फिर उसके वापस लेके आएंगे फिर मजा आ जाएंगे, लाहे लाहे ओलमन लाहे लाहे, देखा आदमी लोग का ऐसे ही एक वाटी में आते ऐसे मैं फास्ट मतलब आदमी लोग का यहाँ में मतलब पूरा भेड़ चाल निकलता है, मतलब इधर उधर गाड़ी देखता ही नहीं, बस हम लोग को जाना है हम लोग खाली निकलना है, मतलब क्या फिर मतलब, हाँ मेरा मतलब बहुत निकल रहा है अमित भाई, इसलिए बार बार मतलब बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब इंसान हूँ। तो गाइस सोनू का भतीजा को छोड़ के हम लोग आए हैं पेट्रोल पंप में, ये है हम लोग का नॉर्मल का परफेक्ट पेट्रोल पंप जो कि बहुत फेमस है, तो यहाँ में अभी सोनू तेल डालेगा 20 रुपए का, मैं तेल डालूंगा, अरे भाई आपका अपना ब्लॉगर पैसा देगा आज तेल का, दो भाई पैसे दो, ये तेल लेगा क्या, ये तेल लेगा क्या, चलिए बात कर ले लो, तो सुनो आप कितना का तेल भरेंगे, क्या लगता है आपको, ओनली फॉर 20 रुपीस, ओनली 20 रुपीस, तो चलिए 20 रुपीस का तेल लगेगा, देखते हैं माइलेज देता है कि नहीं, इसको लेके जा रहा है। तो गाइस हमने तेल उल भरा लिया, हम लोग जाएंगे इस तरफ से, तो आज आपको थोड़ा किलिंग विलिंग भी दिखा दूंगा, यहाँ से हम लोग जाते हैं किलिंग का रास्ता, बहुत दिन हुआ किलिंग नहीं गया, तो आज बहुत दिन के बाद जा रहे हैं किलिंग, किलिंग से हो के हम लोग खा जाएंगे पलंग कटा, पलंग तोर परफॉर्मेंस देंगे हम पलंग कटा में, आज पलंग कटा में जाके आज।
तो गाइस अभी हम लोग किलिंग का रास्ता में जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है किलिंग का अप। तो यहाँ ऊपर में आपको मिलेगा USTM, DPS सब कुछ एकदम एडवांस हो चुका है। हमारा जो किलिंग है वह एडवांस हो चुका है, DPS मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसका USTM रेस सब कॉलेज वॉलेज बन चुका है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, ऐसे यहाँ से होते हुए हम लोग निकलेंगे। तो गाइस अभी हम किलिंग का रास्ता में घुस चुके हैं, जिसकी देख सकते हैं यहाँ पे ये है पूरा कॉलेज, पूरा आपको पूरा भीड़ भाड़ दिखाई देगा पूरा कॉलेज का स्टूडेंट लुक से। यहाँ देखिए पूरा मार्केट ही मार्केट जैसा लगेगा आपको। और यहाँ पे USTM कॉलेज यहाँ में बहुत ज्यादा फेमस है। तो गाइस देख सकते हैं आप ये USTM का गेट, अंदर यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अंदर। ऐसे अंदर जाएंगे तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे पूरा गुवाहाटी, गुवाहाटी मतलब बेलतोला साइड निकलेंगे। अमित भाई तो पहले से ही मतलब पूरा फिट फाट किया, बोले एनी टाइम फिट फाट ही रहता है, अरे मुंह धोने से फिट फाट हो जाता है अमित भाई। भाई तो यही जलवा है क्या बंदा है क्या बोलेगा जोरबिल। ये है जोरबिल का फील्ड, देखिए बच्चे लोग यहाँ मजे से खेल रहे है। यहाँ पे है ये बोलने से किलिंग का मेन मार्केट ही हो गया है। तो यहाँ पे आपको बाजार उजार भी मिलेगा, अभी तो दिन का टाइम है लेकिन शाम का टाइम में पूरा आपको मिलेगा बाजार बाजार यहाँ पे, जिसे देख सकते हैं एकदम मस्त से। यहाँ पे गारो पॉपुलेशन ज़्यादा है किलिंग में, और हमारे जो नॉर्मल है वहाँ पे मारवेट पॉपुलेशन ज़्यादा है। ऐसे हम बचपन का याद कैसे विवानिटी लेके थे ना बाइक लेके के यहाँ में, हम लोग बचपन में बहुत आते थे, अभी तो बहुत कुछ बदल गया है। और कैसा खराब रास्ता था, पहले हम लोग बाइक वाइक लेके आता था, बहुत गिरा भी है बाइक में यहाँ पे, बहुत मजा से गिरा भी है और मजा से खाया भी है, देख सकते हैं। तो जैसे कि आप गाइस यहाँ में ये सब देख सकते हैं पूरा क्रेशर उसर है। अब किलिंग में ऐसा आएंगे तो ऐसा आपको क्रेशर उसर मिलेगा। तो अभी यहाँ हम पहुंच चुके, ये है उमडूबा, उमडूबा मेरी आंखों की ये है उमडूबा। अभी उमडूबा के रास्ते से जाएंगे, ऐसे जा जाके हम लोग पहुंच जाएंगे गुवाहाटी। एक टाइम में जो ये रास्ता था एकदम इतना कादा कादा, ऐसा मतलब कुछ यहाँ में आदमी भी चलना मुश्किल था, गाड़ी का तो भूले जाओ। लेकिन अभी देखिए क्या मस्का हो गया, मस्का जैसे एकदम जो गाड़ी जा रहा है मजा लग रहा है। और हम लोग का जो सोनू है वो तो क्या बोलेगा, इतना एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने में, बस मजा ही कहीं गड्ढे में ना घुस जाए अकेला बार ज्यादा ही बोल ले रहे के तू भाई। उसको मतलब सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ने से फॉर्च्यूनर एक की गिफ्ट देते सोच रहा ये सही था भाई, सब्सक्राइबर जल्दी बड़ा हो गया, सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ाइए मिलेगा भाई को, और हम लोग को भी मजा दिलाई। तो गाइस अभी मैं एक ऐसा जगह में आया जो कि बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे आसाम का मशहूर सिंगर हमारा पापोंदा आया था। इसी की देख सकते हैं यहाँ पे है ये तालाब, यहाँ पे मच्छी मारने के लिए आया था पापोंदा। तो यहाँ पे बहुत सारा मच्छी मार के लेके गया था शायद से एकदम मजा से। मैं सुनो ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया है, तो अभी हम लोग फिर यहाँ से जाएंगे मजे से। अभी अपना लोकल जगह, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली इतना वेट कर रहा था कि ये जगह देखने के लिए। मैंने जो अपना एकदम लास्ट ब्लॉग में भी बोला था कि एक व्यू पॉइंट दिखाने वाले, जो अमित भाई के साथ मैंने बोला था कि अमित भाई हम लोग एक व्यू पॉइंट दिखाना, तो वो जगह फाइनली मैं आ चुका हूँ, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हैं नज़ारा उसका, इतना मस्त नज़ारा है, सुकून मिल गया यहाँ आने से एकदम। मतलब पूरा ये सोनूपुरा मतलब क्या है, पूरा तेरा गुवाहाटी उठी है क्या, ऑल गुवाहाटी भाई, पूरा गुवाहाटी है क्या ये, यहाँ से मतलब मेघालय पड़ता है, ऊपर से मेघालय पड़ता है नीचे, हाँ। पूरा गुवाहाटी ये मतलब ऊपर वाला मेघालय है ना, और ये पूरा आसाम,
ये तो मतलब ये एरिया कौन सा पड़ता है सामने वाला, तेरा क्या सामने वाला? इतना तक तो सच मेघालय पड़ता है, मुझे भी इतना नहीं मालूम मतलब इधर तक मेघालय पड़ता होगा, लेकिन वो रास्ता तो पूरा आसाम का। हमको लगता ना ऐसे यहाँ से जाता ना जो पिलंकटा है शायद से ना, ये उधर में देखिए आप जो नजर है पूरा गुवाहाटी ना आसाम पड़ जाएगा। ये नजारा इतना मजा नजारा है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, पता नहीं ये कैमरा में आप कैसा आ रहा है मुझे को पता नहीं, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ इतना मजा आ रहा है। तो सुनो भाई अभी हम लोग निकलते हैं, तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अभी क्या क्या दिखा सकता हूँ आगे दिखाते हूँ आगे। और यहाँ से अभी हम लोग पूरा गुवाहाटी निकलेंगे, यहाँ से पूरा बेलतला निकलेगा ना सुनो, अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं जल्दी से जल्दी, बहुत गर्म भी इतना गर्म दिया है भगवान। चलिए चलते हैं। अभी जैसे कि आपने देखा था कि हमने मतलब पूरा किलिंग से घूम के पूरा पहाड़ और जंगलों से घूम के आया, और आने के बाद फिर हम आ गए यहाँ पे, ये है 7 नंबर गली बोलते हैं सोनू लोग इसको। एक हाईवे मिल जाएगा वो NH-27, तो ऐसे सीधा सीधा जाके देखिए जंगल जंगल से हम लोग आए एकदम ऐसे पहाड़ से किलिंग का पहाड़ वहां से आके हम लोग को डायरेक्ट मिल गए हाईवे, मतलब आप इसको बेलतला ही बोल सकते हैं लगभग, एकदम बेलतला धारा बोल के। अरे देखिए हम पूरा जंगल जंगल से पहुंच चुके डायरेक्ट हम लोग सिटी एरिया में एकदम, सब लोग बाइक राइड तो करते, हम लोग ने आज कार राइड कर लिया, कार ऑल्टो राइड छोटा कार राइड, मिस्टर बीन का गाड़ी में हम लोग ने आज पूरा राइड कर लिया है। ये देखिए ये क्या गड्ढा है यहाँ में, इतना बड़ा गड्ढा दिखा तो आपको, देखिए ये देखिए हमको पूरा एक साड़ी याद आ गया, गड्ढे पे गड्ढा गड्ढे पे गड्ढा बोल मिस्टर चड्डा। तो फाइनली गाइस नॉर्मल पहुंच चुका हूँ, अभी नॉर्मल पहुंचने का साथ साथ यहाँ में मिला हमको भैया पुचका वाला, थोड़ा दे दीजिए आप अपना स्पेशल मसाला डाल के, मजा आ जाएगा हमको खा के। कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं तो ऐसे खाता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल घर जा रहे हैं, अमित भाई शाम में मिलते हैं, जाइए बाय आराम से जाइए, लॉन्ग लाइफ सेफ ड्राइव। तो चलिए अभी जाके थोड़ा घर में रेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर फोन तो मस्ती कर रहा है, उसके बाद फिर आपको शाम में मिलता हूँ, मतलब अभी बुरा मस्त से नींद लग रहा है, एकदम मजा से सोऊंगा, उसके बाद फिर आपको मिलूंगा शाम में डायरेक्ट। तो फाइनली गाइस मैं मतलब उठ चुका हूँ, रिफ्रेश भी हो चुका हूँ, मजे से खाना वाना खाया था, खाना वाना खा के मस्त से सो गया था, तो अभी लगभग बज चुका है 5, तो 5 बजे अभी मेरा जिम टाइमिंग है, तो जो घर का सामने मेरा जिम है गार्डियन जिम, तो वहाँ पे जाके मैं अपना अभी एक्सरसाइज करूँगा। तो देखिए पूरा जूता उतार भी मैंने ले लिया है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और गाइस बहुत ट्राई कर रहा हूँ अच्छा अच्छा कंटेंट देने का, मतलब जो जैसा भी हो जो भी हो, मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि क्योंकि मेरे को कंसिस्टेंट रहना है यूट्यूब में और व्लॉगिंग में, तो इसलिए ज़्यादा गैप भी नहीं कर रहा हूँ, 2-3 दिन भी दे रहा हूँ, मतलब कंटेंट नहीं मिल रहा है कहीं से भी ढूंढ ढूंढ के, मतलब कहीं से कुछ भी करके आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे को सपोर्ट करिए और वीडियो को जरूर लाइक भी करिए। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर और सब लोग मज़े करिए।